दोस्तों स्वागत है आप सबका चिडोरा पॉइंट की एक और स्ट्रीट फूड वीडियो में। और आज हम आए हैं NIT1 फरीदाबाद। दोस्तों यहाँ पर हम कवर करने के लिए आए हैं योगेश जी की कार्ट, जो अपनी जलेबी के लिए और रबड़ी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ ये केसर वाले दूध जलेबी फेमस है, बहुत फेमस है, और गुलाब जामुन भी बनाते हैं। तो फटाफट ऑर्डर करते हैं और आपको इसकी मेकिंग भी दिखाएंगे और हो सके तो योगेश जी से बात भी करवाएंगे। बहुत बहुत टेस्टी है, इससे ज़्यादा टेस्टी जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई। बहुत तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि योगेश जी से भी बात करेंगे, तो ये इस कार्ट के ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं। योगेश जी, मैं आपको बोल के गया था कि मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और वीडियो शूट करूँगा। हाँ जी, हाँ जी, आप आए तो मेरे पास, उस समय मेरे पास थोड़ा सा ओपनिंग का टाइम था, तो मैं आपसे क्लियर बात नहीं कर पाया। आपने बोला कि मैं बाद में आऊँगा, मैं कहा चलो जी ठीक है। नहीं, हम उस दिन आए थे, जलेबी भी खाई थी और रबड़ी भी खाई थी, और स्वाद इतना ज़्यादा बढ़िया था कि वही स्वाद जो है ना, हमें दोबारा यहाँ पे खींच कर ले आया है। और आज तो मैं मेरे ख्याल से पूरा मेन्यू आपका जो है ना, पूरा टेस्ट करने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ, आपने मेरे को बताया था कि आपको 5 साल हो गए, तो 5 साल यहाँ पे हो गए या टोटल एक्सपीरियंस आपका? यहाँ पे 5 साल हो गए इस काउंटर को लगाए हुए। अच्छा अच्छा, और उससे पहले एक्सपीरियंस 93 से है मेरा। 93 से, मतलब काफी साल हो गए यार। उससे पहले मतलब क्या होटल्स वगैरह में काम करते थे आप? हाँ जी, किया तो बहुत कुछ है, होटलों में, शादियों में, लेकिन अब अपने लिए अपना काउंटर लगाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, अपना काम ही होता है। तो आप जो है ना, अभी हमारे लिए पहले लगाओ जलेबी, ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी। लो जी, हमारे लिए जलेबी लग गई है जी। आप जलेबी देखना, मैं आपको बनने के बाद दिखाऊंगा कितनी बढ़िया क्रिस्पी और पतली होगी। आप तेल देखो यार, मतलब कितना क्लियर, साफ सुथरा नज़र आ रहा है। लो जी, इन्होंने डाल दिया जी चाशनी में, और चाशनी भी बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया है यार। दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इन्होंने एक छोटी सी जो कढ़ाई जो है ना अलग से रखी हुई है, ये देसी घी की है। अगर आप चाहो तो आप देसी घी में भी ले सकते हो जलेबी, उसका प्राइस अलग है। ये है जी इनके गुलाब जामुन, आप इसका साइज़ देखो ज़रा। और भैया इसका प्राइस क्या है? 10 रुपये। 10 रुपये में यार, आप साइज़ देखो क्या बढ़िया ज़बरदस्त है। एक दिखाना भैया इसमें ज़रा, कड़ची में निकाल के ये देखो यार आप, क्या बात है भाई, मज़ा ही आ गया देख के। और ये देखो दोस्तों, इस साथ में जो है आपको गर्मा गर्म केसर वाला दूध मिलेगा, वो भी कुल्हड़ में। इसका क्या प्राइस है भैया? 40 रुपीज़ कुल्हड़ का है भाई साहब। और इसके अंदर मेरे ख्याल से यहाँ पे इस वाले बॉक्स में भैया रबड़ी है ना, वो फुल पैक कर रखी है। देखो कोई डस्ट वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। लो जी, हमने दूध का भी ऑर्डर दे दिया है, जलेबी हमारी साइड में पड़ी हुई आपको दिख रही होगी, और गर्मा गर्म दूध यार, धुआं देखो क्या ज़बरदस्त है। एक ही गिलास बनाना भैया, कुल्हड़ में है हमारा, ठीक है जी? पंकज तो पीता नहीं है भाई, मैं पीऊँगा। दोस्तों ठंड का मौसम हो गया, और भैया कुल्हड़ वाला दूध मिल जाए गर्मा गर्म पीने के लिए तो यार मज़ा ही आ जाएगा। वाह भाई वाह, केसर वाला दूध है, और अब इस पर डलेगी मलाई, क्या बात है, ओहो हो, मज़ा आ गया। पंकज पिएगा? पंकज नहीं पीता। और भैया ये क्या है? पिस्ता बादाम। अच्छा बहुत बढ़िया, यहीं इस पर रख दो यार आप। तो जी हमने गुलाब जामुन का भी ऑर्डर दे दिया है, 2 गुलाब जामुन हम ले रहे हैं। आप पीस देखो यार क्या ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया भैया, 10 रुपये का एक पीस, और आप देखो क्या मज़ा आने वाला है। तो जी हमने रबड़ी का भी ऑर्डर कर दिया है भैया को, आप रबड़ी की थिकनेस देखो यार ज़रा, वाह भाई वाह। भैया इसका क्या प्राइस है? 50 रुपये की 125 ग्राम है भैया। 50 रुपये की 125 ग्राम, बहुत टेस्टी है, इससे ज़्यादा टेस्टी जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई। अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम भावना है, यही फरीदाबाद के रहने वाले। हाँ जी। और आपके साथ? ये मेरी फ्रेंड है निधि, और ये मयंक। हम स्पेशली 3 सेक्टर से यहाँ पर आए खाने के लिए। बोल। स्पेशली 3 सेक्टर से आए खाने के लिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन। नाम निधि। निधि सिंह। उसका ध्यान नहीं है, सारा ध्यान इसका खाने में है। मयंक। हम सेकंड टाइम है मेरा तो। हाँ जी, हमने सुना था यहाँ बहुत टेस्टी मिलता है।
ट्राई करने आए थे एंड लिटरली बहुत टेस्टी है। हाँ जी, थैंक यू। तो दोस्तों हमने जलेबी ले ली, एक बार जलेबी देखो यार क्या बढ़िया है, एकदम पतली पतली जलेबी है साथ में हमने ली है। पंकज कार्ट पे यार ऑन रोड ऐसी जलेबी मैंने उम्मीद नहीं करी थी। बिल्कुल, यही वजह है कि इनके पास पब्लिक जो है दूर दूर से आ रही है। तो दोस्तों आप एक बार देखो यार जरा सॉफ्ट कितना यार जबरदस्त पंकज, एक हाथ से यार आराम से तू तोड़ पा रहा है। तो ये दोस्तों अब बारी है इनको टेस्ट करने की और आपको हमने इसका क्लोज लुक दिखा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी। पंकज टेस्ट करते हैं भाई, जलेबी टेस्ट करके देख जरा एक बार। आप थिकनेस देखो यार रबड़ी की क्या जबरदस्त है, मतलब मुँह में पानी आ जा रहा है यार। बिल्कुल। और भैया ये लगाई मैंने रबड़ी इसके ऊपर और अब बाइट हो गई है मेरी तैयार। पंकज करे ट्राई। बिल्कुल, चलो जी। ओहो मजा आ गया, क्या रबड़ी है यार, एकदम नंबर वन, क्या टेस्ट है, बहुत बढ़िया भाई। और रबड़ी की थिकनेस देखिए पंकज, बहुत बढ़िया भाई। एक और लूंगा यार ऐसे ही, मजा आ गया भैया, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया सही में। तो भाई पंकज, भैया का 25-30 साल का एक्सपीरियंस नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल नजर आ रहा यार, मजा आ गया भाई, है ना? क्या यार कूलर पकड़ने में मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है और कूलर गरम गरम, मजा आ गया। पंकज एक बार ट्राई करके देखा कर, जरा सा पी के देखियो। मलाई वाला दूध ये पीता नहीं है, कई लोगों को पसंद नहीं आता, टेस्ट है कि नहीं है? बढ़िया भाई। और मीठा कितना लाइट है इसमें, है ना? बिल्कुल, जरा सी जलेबी भी तो खाई है। हाँ, फिर भी मतलब यार ज़्यादा चीनी नहीं डलवाई हमने, और गर्मा गर्म दूध के ऊपर ना भाई जो बादाम के पीस आए हैं और मलाई का जबरदस्त जायका आया, मजा आ गया। तो जी दोस्तों अब बारी है गुलाब जामुन ट्राई करने की भाई। ओए होए बहुत बढ़िया, और सिर्फ प्राइस 10 रुपये है भाई। मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है जगह, मेरी तरफ से भाई साहब। आप देखोगे कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मज़ा आ गया है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, यहाँ आओ गर्मा गर्म दूध लो, गर्मा गर्म जलेबी लो, साथ में रबड़ी और गुलाब जामुन का एक पीस जरूर लेना। बिल्कुल, मज़ा आ जाएगा आपको। और एक बात आपको जलेबी के बारे में दोस्तों और बता दूं, इनके पास देसी घी भी है भाई, तो देसी घी का इन्होंने एक छोटा सा बर्तन रखा हुआ है, उसमें ये बनाते हैं, और उसमें जो जलेबी का प्राइस है वो 100 रुपये की 250 ग्राम है, और ये जो हमने ली है ये 250 ग्राम है 45 रुपये की। जलेबी का साइज़ बहुत बढ़िया है, नहीं तो यार इतनी मोटी मोटी जलेबी बेचते हैं कार्ट पे, है ना? सही बात है। 45 रुपये रेट लोगों को शायद थोड़ा सा हायर लगे कार्ट के हिसाब से, यार क्वालिटी दिख रही है, क्वालिटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इतनी जबरदस्त पतली जलेबी जो है ना और इतनी क्रिस्पी आपको होटल्स में मिलेगी। बिल्कुल, अब कोई कहेगा कि वीडियो देख के यार हमारे में 20 रुपये पाव है, हाँ 25 रुपये पाव है, मगर यार लेकिन ऐसी नहीं भाई, बहुत मोटी मोटी जलेबी बना देते हैं और चाशनी में फटाफट निकाल के दे देते हैं, निरी चाशनी होती है। हाँ, इतनी मोटी परत चढ़ी होती है चाशनी में। इसमें भाई साहब बिल्कुल भी ज़्यादा चाशनी नहीं है, आप एक बार यहाँ आओ ट्राई करके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। सही बात है। तो जी दोस्तों हमने आपको योगेश जी की कार्ड की हर चीज़ दिखा दी भाई, और टाइमिंग है इनकी 6 बजे से लेके 11 बजे तक। बाकी दोस्तों आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में बता देता हूँ, NIT 1 में बीकानेर के बिल्कुल ऑपोजिट में इनका कार्ड है भैया का, और बीकानेर अगर आप गूगल में देखोगे यार तो बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। बाकी एक और मॉल भी है पंकज, यहाँ पे मॉल है, जस्ट FBB मॉल है यहाँ पर, तो आप उसको भी लोकेट करके यहाँ पर आ सकते हो। बिल्कुल। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, नहीं अच्छी लगी तो भाई डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है। बाकी मिलते हैं आपसे नई लोकेशन में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।